जय माता दी। अभी कुछ दिन पहले आंचल और रीक भाई और भाभी ये दोनों वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ के कुछ अंदर का तो ऑब्वियसली हम ले नहीं पाते हैं, पर आसपास के एरिया का कुछ ग्लिम्सेस हैं जो आई है। देखते हैं कि उन दोनों ने कैसे माता रानी का दर्शन किया है, तो बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी एरिया। ये रास्ता है कटरा बाणगंगा, जहाँ से स्टार्ट होता है टुवर्ड्स अर्धकुमारी। तो अर्धकुमारी में एक छोटा सा ब्रेक लिया था इन्होंने, पर बीच का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये व्यू अच्छा लग रहा। ये बस पहुंच गए हैं अर्धकुमारी, बस 100 मीटर की ही दूरी पे हैं, 100 मीटर। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम अर्धकुमारी। ऐसा लग रहा है ना कि हेवन के बीच में, क्लाउड्स के बीच में हेवन। ये है अर्धकुमारी, जहाँ पे बीच में सब हॉल्ट लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर इसके आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये रोड जाता है भवन की तरफ, ये एक न्यू रोड है जो अर्धकुमारी से भवन की तरफ जाता है, जो कि टोटली कवर्ड है।
चल। फर्स्ट व्यू ऑफ द भवन, इतना सा बचा हुआ है बस। एंड दैट्स द रूट टू भैरव। So it's 2:05 in the night and we are going down. और हम 9 बजे भवन पहुंच गए थे। So it was around 5 hours. 5 hours. चलो देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। दर्शन अच्छे हुए। देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। होपफुली सोने को मिल जाएगा। ये पानगंगा से वापस होटल की तरफ ऑटो ले लिया था। कटरा होटल में रेस्ट करने के बाद वापस स्टेशन में। यह है न्यू ट्रेन, क्या नाम है इसका, वंदे मातरम ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है। तो वापस बैक टू पवेलियन। इधर आइए।